जब जब धरती पर पाप बढ़ता है उसे रोकने के लिए एक योद्धा पैदा होता है, ये हम नहीं बल्कि हिंदू धर्म का किताब ग्रंथ गीता कहती है। गीता लगातार जीवन का एक आधार बताती है लोगों को जीने के लिए, और कुछ ऐसा ही आधार गीता का प्रयोग कर रहे हैं अपने जीवन में तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव राजनीतिक माहौल में गीता का वर्णन कर रहे हैं और गीता में लिखी गई बातों से वार कर रहे हैं अपने दुश्मनों पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और नंबर वन डिजिटल चैनल न्यूज़ बिहार में। राजनीति में अलग ही रार छेड़ दिया है तेज प्रताप यादव ने। बागी तेवर हैं लेकिन परिवार के लिए उनका प्यार अभी भी बरकरार है। ट्विटर पर हमला कर रहे हैं विपक्षी पर तेज प्रताप यादव और कह रहे हैं कि अगर परिवार पर कोई सवाल खड़ा होता है, आपत्ति आती है, तो उसका विनाश कर देंगे। और गीता की कुछ पंक्तियां लिखते हैं, गीता का शुरुआत का कुछ लाइन लिखते हैं और फोटो साझा करते हैं। इस विषय पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज़ बिहार के एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा। आइए जानते हैं इनसे कि क्यों राजनीति में आखिर गीता का प्रयोग कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। वहीं परिवार से दूर दिख रहे हैं लेकिन परिवार के लिए प्रेम दिखा रहे हैं। स्वागत है सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदू समाज में ये समझाया जाता है, दो किताबें हैं बेसिकली, एक महाभारत और दूसरा रामायण, मगर कहा जाता है कि घरों में रामायण ही पढ़ना चाहिए। रामायण ही वो शास्त्र है जिसके तहत जीवन जीने के लिए हिंदू धर्म के लोगों को खासतौर पे चलना सही होता है। मगर शुरू से ही आप देख रहे हैं कि जो वर्णन है, जो जिक्र करते हैं तेज प्रताप यादव, उनमें हमेशा महाभारत का रेफरेंस लेकर आते हैं। कृष्ण की बात करते हैं, अर्जुन की बात करते हैं, कहते हैं कि मैं कृष्ण बन जाऊंगा और मेरा भाई अर्जुन बन जाएगा और उसका निशाना पर नज़र है बिहार की कुर्सी पर, मगर फिर दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मगर आपको समझना होगा कि जिन घरों में रामायण छोड़कर महाभारत का अगर ज्ञान दिया जाएगा, तो महाभारत तो युद्ध ही था ना, एक युद्ध ही था ना, एक युद्ध थी जिसके तहत लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। आज फिर से महाभारत का ही रेफरेंस उन्होंने ट्विटर पर दिया है और लिख रहे हैं कि महाभारत जैसा भीषण युद्ध ना कभी होगा ना कभी हुआ, ऐसा अकेला युद्ध है जिसमें दोनों तरफ से महारथियों के करोड़ों लोगों की जान चली गई। ये कहने का मतलब क्या था? आखिर क्यों, किस संदर्भ में वो ये बातें कहना चाह रहे हैं? क्या वो धर्म गुरु बन गए हैं जो उठा उठा कर अलग अलग किस्सों का वर्णन करके लोगों को ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, तेज प्रताप यादव एक फुल फ्लेज राजनीतिज्ञ हैं जो कि अपने पर्सनल जीवन में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो राजनीति में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। उन्हें बिहार की सत्ता के शीर्ष से देश की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना है। वो लालू यादव के वंशज हैं और लालू यादव की राजनीति को समझते हैं। वो जानते हैं कि कैसे जनता से कनेक्ट किया जाता है, वो जानते हैं कि अपनी बातें कैसे मनवाई जाती हैं। एक बार उन्हें ज़बरदस्ती कहा जा सकता है कि शादी उनकी करा दी गई ऐश्वर्या राय से, जिसको लेकर उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। एक दो साल बर्दाश्त कर सकते थे, मगर 6 महीने में ही उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, ये शादी नहीं है बल्कि अरेंजमेंट, एक बिजनेस एग्रीमेंट है मेरे और मेरे पत्नी के बीच में, ताकि उनके ससुर को चुनाव लड़ाया जा सके। ये बातें वो समझ गए। तेज प्रताप को सभी नादान समझते हैं। बिहार की राजनीति में अगर जाइएगा, नेताओं से बात कीजिएगा, लोगों से बात कीजिएगा, तो लोग कहते हैं कि उनको बहुत समझ नहीं है, मगर मुझे लगता है कि तेज प्रताप यादव को बहुत समझ है। वो जानते हैं कि कैसे लालू यादव की तरह अपनी बातों को मनवा लेना जनता से उन्हें आता है। वो जानते हैं कि कैसे जनता के बीच में जाऊँगा, अपने परिवार के सदस्यों के बीच जाऊँगा, तो कैसे मैं अपनी बातों को मनवा लूँगा। तेज प्रताप यादव को सबसे ज़्यादा अगर अभी किसी चीज़ से तकलीफ है, तो वो ये है कि उनके ससुर को चुनाव लड़ाया जा रहा है उनकी रजामंदी के खिलाफ। दूसरी बात, उन्हें एक और बात से दुख है। उन्हें दुख है कि उनके दो प्रत्याशियों को, दो ही सीट तो मांगी थी, कल भी उन्होंने लिखा था कि दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, अपने भाई को दुर्योधन कह रहे हैं। ये दुर्योधन भी महाभारत का ही एक पात्र है। ये सारे पात्र गीता भले ही आप कह दीजिए गीता किताब है जिसके तहत जीवन का निर्वाह करना चाहिए हिंदुओं को, मगर गीता आधारित किस पर है? महाभारत पर, और महाभारत के सारे वृतांत उसमें हैं। महाभारत, आपको मैं फिर याद दिला दूं कि एक युद्ध है जिसके तहत इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा युद्ध है, कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर्स और उनसे भी बड़ा हो ये था। आज खुद उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि कैसे करोड़ों लोगों की जो है निर्मम हत्या हुई थी महाभारत में, दोनों तरफ से मारे गए थे लोग, कौरव और पांडव दोनों। हालांकि उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो कौरव है या पांडव है, मगर एक बात तो वो कह दिए हैं कि उनका भाई दुर्योधन है, और इस बात पर पूरे बिहार के सियासी गलियारों में अब मुहर भी लग गई है। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि लालू यादव के बस जेल चले जाने से, गैर हाजिरी से कितना इम्पैक्ट पड़ता है
बिहार के इस राजनीति पर, ये तो सभी जानते हैं, मगर लालू यादव की गैरहाजिरी से आरजेडी और खासतौर पर लालू परिवार पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है वो बीते 10 दिनों में समझ में आ गया है। जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने ये ट्वीट किया है, एक बात आप समझ लीजिए, जहानाबाद और जो शिवहर की सीट थी वहाँ से अंगेश कुमार और चंद्रप्रकाश, इन दोनों को चुनाव लड़ाने के लिए तेज प्रताप यादव एकदम एडमेंट थे। ये दोनों राइट और लेफ्ट हैंड हैं तेज प्रताप यादव के, और तेज प्रताप यादव ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें राजनीति करनी है तो लालू यादव की तरह अपने साथ, अपने कहा जा सकता है उसको कि अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेफ्ट मैन राइट मैन यस मैन लेकर चलना होगा। अगर नहीं लेकर चलेंगे तो सच पूछिए तो तेज प्रताप यादव का इस पार्टी में अब कोई बचा नहीं है। तेज प्रताप यादव से, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि भाई वीरेंद्र जो मनेर के विधायक हैं, उन्होंने भी खुलकर वॉर किया है, इन पर हमला कर दिया है कि तेज प्रताप यादव को सद्बुद्धि दे भगवान, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी हैं। आपको याद होगा कि पूर्व में उन्होंने हमला उन पर किया था, यही हालत रहा था। लगभग सनोज यादव ने भी पार्टी जब छोड़ी थी तो यही आरोप लगाया था उन्होंने। रामचंद्र पूर्वे भी कहते थे कि इनके पास सीनियर लीडर से बात करने की तमीज नहीं है। देखिए, पूर्वे जी को कई बार ये बाईपास कर देते हैं, पूर्वे जी को बाईपास करके अब कल ही से खबर आ रही लगातार कि 3 दिनों से लालू यादव के कैबिन में जा रहे हैं, राजद कार्यालय के अंदर घुस रहे हैं, तेज प्रताप उनके कैबिन में जाकर बैठते हैं, 1-2 घंटे बैठ रहे हैं और वापस आ जा रहे हैं। ये एक स्टेटस सिंबल है, ये वो एहसास करा रहे हैं, जाना कोई ज़रूरी नहीं है उनका, मगर वो जाकर एहसास करा रहे हैं कि ये जगह मेरी है और मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, साफ बात बता दूं तो लगभग 6 महीने पहले हमने बताया था, न्यूज़ बिहार और भारत लाइव ने बताया था बात आप सभी को, कि राजद परिवार में एक तरह का स्टाम्प पेपर पर डिवीज़न हो चुका है, जहाँ एक तरफ तेजस्वी यादव को लालू यादव लास्ट बार जाते हुए जेल में उन्होंने सत्ता सौंप दी थी कि जाइए आप बिहार के मुख्यमंत्री बनिए, आपके लिए पूरा हमारा जो मशीनरी है राजद का वो काम करेगा, मगर वही बातें तेज प्रताप यादव को उन्हें कहनी पड़ी कि तुमको संगठन का मैं अधिकार देता हूँ, तुम संगठन में जो करना है करो। उसके बाद याद कीजिए कैसे लालू पूरे ठंड में तेज प्रताप यादव सुबह सुबह पहुंच जाते थे राजद कार्यालय और वहाँ बैठ कर जनता दरबार लगाया करते थे। ये होता है अपनी हक और अपनी जमीन को खुद आगे बढ़कर हथियाना। देखिए, होता है, अगर कहा था कि जर और जोरू और जमीन जो होती है वो जोर की चीज़ होती है, तो तेज प्रताप यादव ये बात समझ चुके हैं। देखिए, जोरू की बात की जाए तो पहले ही उनकी पत्नी से जो विवाद हुआ, उन्होंने समझ लिया कि कभी भी ऐश्वर्या राय उनके काबू में नहीं रहेंगे, तो उन्होंने उस पर चैप्टर को ही क्लोज कर दिया। अब बात रही जमीन और जोर की, तो जोर और जमीन दोनों, एक तो लालू यादव की राजनीतिक जमीन है और दूसरा राजद, इन दोनों पर अपना आधिपत्य तेज प्रताप यादव चाहते हैं। देखिए, सीटों का समीकरण को लेकर भी आज बयान सियासी गलियारों में तैर रहा है तेज प्रताप यादव का, कि सीटों के बंटवारे से तेज प्रताप यादव खुश नहीं है, कार्यकर्ता खुश नहीं है, ये बात भी तेज प्रताप यादव अब कह रहे हैं। तो साफ बात है कि तेज प्रताप यादव अब इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है, और ना ही तेजस्वी यादव के पास अब कोई जड़ी बूटी है जिसको सुंघाकर वो तेज प्रताप यादव को मना ले। जी बिल्कुल, तेज प्रताप लगातार अपने पिता की तरह राजनीति भी कर रहे थे बिहार में, और जनता दरबार की बात हमने कही तो उसी तरीके से जनता के दरबार में उन्होंने कई जनता के लिए फैसला भी सुनाया था। और जिस तरीके से तेजस्वी यादव अलग आरजेडी का निर्माण कर रहे थे और तेज प्रताप चाहते थे कि पुराने नेता जैसे कि साधु यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के साला हैं उन्हें भी आरजेडी में जगह मिले। इस पर भी एक बड़ा, तेज प्रताप यादव चाहते हैं कि पार्टी में उनके लोग बढ़ें, और ये एक आरोप बड़ा लगाया जा रहा था शुरू से ही कि शायद साधु यादव के संपर्क में तेज प्रताप यादव, वही उनके कान को भर रहे हैं उनके भाई के खिलाफ, उनके पत्नी के खिलाफ और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के। मगर एक बात है कि राबड़ी देवी वहाँ बैठी हुई है, राबड़ी देवी लगातार पेसिफाई करने की कोशिश कर रही है सिचुएशन को, मगर हमने आपको परसों बताया था कि राबड़ी देवी ने बहुत समझाने का प्रयास किया है, इसी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग दो बार वो अनाउंसमेंट बड़ा करने जा रहे थे, मगर वो फिर पीछे हट जाते हैं और वो ट्वीट डिलीट कर लेते हैं। इसलिए डिलीट करते हैं क्योंकि राबड़ी देवी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। ये बात सीधे साधु यादव पे खेल जाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि साधु यादव अपनी राजनीति कर रहे हैं, साधु यादव ने कभी भी लालू यादव की राजनीति में जब से वो अलग हुए हैं तब से बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। बीच में आरोप लगाए जा रहे थे कि पप्पू यादव उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तेज प्रताप यादव की अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंकिंग के बारे में बात करें तो तेज प्रताप यादव का नज़र अब कहा जा सकता है, अब वो अर्जुन बने गए हैं खुद, अब वो कृष्ण नहीं है, अब वो अर्जुन बन गए हैं और उनकी नज़र राजद के शीर्ष नेतृत्व पर पहुंचने की है। वो चाहते हैं कि जब तक कमान में अपने हाथ में नहीं होता तो अपने लोगों को टिकट नहीं दे पाऊंगा, एक पैरेलल राजद का निर्माण करना चाहते हैं। और इसके बहुत हद तक आगे बढ़ चुके हैं, जब पार्टी के बड़े पद से इस्तीफा दे देते हैं और दूसरी पार्टियों में जेपी जनता दल के गलियारों में घूम रहे हैं,
ये तो अनाउंसमेंट भी ऑलमोस्ट करने जा रहे थे कि जेपी जनता दल के टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा, हालांकि राबड़ी देवी ने समझा लिया और ये इसलिए भी देखिए मान गए क्योंकि उनको पता था कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे अपने ससुर के खिलाफ तो कहीं ना कहीं वहाँ से बीजेपी और जेडीयू को फायदा हो सकता है, दोनों तरफ से वोटे अगर कटेंगी तो राजीव प्रताप रूढ़ी का वहाँ से जीतने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि पिछली बार भी राबड़ी के खिलाफ राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीते हैं, तो कहीं ना कहीं अपर हैंड उनके पास है। हालांकि जैसा कहा जा रहा है इस बार जो जमीनी हकीकत दिख रही है छपरा की, राजीव प्रताप रूढ़ी बैक जी जमीनी हकीकत पे राजीव प्रताप रूढ़ी बैकफुट पर हैं और शायद इसीलिए राबड़ी देवी ने तेज प्रताप को समझाया भी था कि एक सीट अब राजद के खाते में आना तय है और वो राजद परिवार के लिए ही होगा कहीं ना कहीं। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होता है कि जो ताल उन्होंने ठोकी थी उस पर वो कितना अमल रहते हैं और क्या आगे भी उनका तेवर बागियों जैसा होगा, क्योंकि अगर इनका तेवर बागियों जैसा होता है तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से राजद के वोट बैंक को अफेक्ट करेगा। एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, आखिरी बात ये है कि अब आपको तैयार हो जाना चाहिए। अब तक जो लालू परिवार में जो भी आपको बातें सुनाई पड़ रही थी कि लड़ाइयाँ झगड़े ये सब पारिवारिक झमेला था, अब लालू परिवार में असल महाभारत शुरू हो रहा है। इस महाभारत का सूत्रपात आज खुद तेज प्रताप यादव ने कर दिया है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं अब एक बड़ा जो कहा जा सकता है युद्ध होने वाला है दोनों भाइयों के बीच में। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, इसी तरह से हमारे हर खबर पर कमेंट्री जारी रहेगी और आर्यन आनंद और नमन मिश्रा इसी तरह से आपको खबरें बताते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।